नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए सहारनपुर की कुछ खास खबरें हेडलाइंस के साथ। शुभम सैनी की गायकी का एल्बम बहुकल्लुकी का सॉन्ग हुआ रिलीज। कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। जेवीजैन कॉलेज में ताइक्वांडो खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। पिलखनी मेडिकल कॉलेज में एम्स जैसी सुविधा की मांग को लेकर डीएम से मिले लोग। मानसी संस्था द्वारा शुरू हुआ 3 दिवसीय अखिल भारतीय नाटक उत्सव। रुक रुक कर हो रही बारिश से नगर निगम के दावों की खुल रही पोल। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के कुछ खास समाचारों पर विस्तार से। कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। कोतवाली सदर बाजार में बनी बीट पुलिस टीम ने पहले ही दिन कार्यवाही करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दिया। देर रात ग्राम छिदबना में चेकिंग के दौरान कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक दौड़ा ली। युवकों की बाइक का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने फायरिंग कर इनामी बदमाश अंकुर को घायल कर दिया, जबकि एक बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। जेवीजैन कॉलेज में ताइक्वांडो खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। बड़ौद के जेवीजैन कॉलेज में 13 व 14 जनवरी को चौधरी चरण सिंह मेरठ अंतर विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर डॉक्टर संदीप गुप्ता ने बताया कि जनपद की जेवीजैन कॉलेज की ओर से 2 महिला खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में अपने अपने भार वर्ग में साक्षी पवार व नाजिया ने स्वर्ण व रजत पदक हासिल किया। उन्होंने बताया कि साक्षी पवार का चयन विश्वविद्यालय टीम के लिए भी हुआ है। शुक्रवार को साक्षी व नाजिया अपने अपने पदक लेकर कॉलेज पहुंची। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल तथा प्रबंध समिति के सदस्य देवेंद्र मित्तल ने दोनों खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चौधरी चरण सिंह अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता जो कि जेबी कॉलेज बड़ौत में आयोजित हुई थी 13-14 तारीख को, उसमें हमारे कई खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और अपने भार वर्ग में साक्षी पवार ने गोल्ड मेडल और नाजिया ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और आज हमारे कॉलेज में जो बच्चे आए हैं इन्हें हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल, साथ में हमारे मैनेजमेंट के नॉमिनी श्री देवेंद्र मित्तल जी ने इन दोनों बच्चों का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करी। पिलखनी मेडिकल कॉलेज में एम्स जैसी सुविधा की मांग को लेकर डीएम से मिले लोग। विभिन्न समस्याओं की मांग को लेकर जनता देश संगठन से जुड़ा एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन डीएम आलोक कुमार पांडे को सौंपा। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि जनपद सहारनपुर वुड कार्विंग के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान पूरे विश्व में रखता है। यहाँ पर एक जिला चिकित्सालय व PGI मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों को हायर सेंटर व प्राइवेट चिकित्सालयों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे गरीब मरीजों को काफी आर्थिक व शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। सहारनपुर में जो बनाया गया था वह आज तक भी एक बिल्डिंग के रूप में ही रह गया है। अगर दूसरी तरफ देखें जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल सहारनपुर, वहाँ पे छोटी से छोटे मरीज के लिए, छोटे से छोटे एक जरा से मर्ज के लिए भी मरीज को चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके बावजूद भी उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर जो कि जिलाधिकारी जी के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं, उसमें ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब 15 साल हो गए हैं PGI को बने हुए, अब इसकी सुध ले लीजिए। मानसी संस्था द्वारा शुरू हुआ 3 दिवसीय अखिल भारतीय नाटक उत्सव। विलुप्त होती जा रही शास्त्रीय संगीत व लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए मानसी संस्था द्वारा जनमंच प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय अखिल भारतीय नाटक उत्सव और डांस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मानसी अभिनय ग्रुप के सदस्य के गर्ग ने बताया कि आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बाहर से कलाकार आए हुए हैं जो कार्यक्रम में शास्त्रीय व लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। जैसा नजर आता हूँ ना ऐसा हूँ मैं, और जैसा समझते हो ना वैसा हूँ मैं, खुद से ही छुपाता हूँ ऐप में अपने, बस मुझको ही मालूम है कैसा हूँ। के घर बोल रहा हूँ मानसी संस्था से, मानसी अभिनय गुरुकुल से। हमारे नगर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय
नाटक उत्सव और डांस प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें नगर की कोई भी टीम डांस नहीं कर रही है और केवल शास्त्रीय और लोक नृत्य ही इसमें प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश से लगभग 15 टीम हमारे बीच में आई है और ये 3 दिन का उत्सव जनमंच सभागार में हमारे नगर में हो रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि अपने नगर में बाहर से लोग आए हैं और बहुत आदर सम्मान के साथ हमारी पूरी टीम उनके स्वागत में लगी हुई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से नगर निगम के दावों की खुल रही है पोल। जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश ने सड़कों की हालत बद से बदतर बना दी है। 3 दिन की बारिश में ही नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। देहरादून रोड पर बने पुल के बराबर वाली सड़क इन दिनों तालाब बनी हुई है। जल निकासी न होने से सड़क पर पानी भरा हुआ है, इससे वाहन स्वामियों व लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत जब नगर निगम अधिकारियों से की गई तो उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। शुभम सैनी की गायकी का एल्बम बहुकल्लू की का सॉन्ग हुआ रिलीज। पुवारका ब्लॉक के ग्राम दमकड़ी में शुभम सैनी की गायकी का एल्बम बहुकल्लू की का सॉन्ग रिलीज किया गया। इस मौके पर टिकटॉक कलाकार इब्राहिम 420 के कलाकार भी मौजूद रहे। गांव के रहने वाले तथा सॉन्ग के गायक व कलाकार शुभम सैनी ने बताया कि सोना चेक कैसेट की ओर से बहुकल्लू की का सॉन्ग रिलीज किया जा रहा है। इस गाने में इब्राहिम 420 के कलाकार भी नजर आएंगे। बहुकल्लू की के सॉन्ग में छोटी सपना के नाम से मशहूर कलाकार रियांशु गुर्जर भी नजर आएंगी। और आपने डायलॉग सुना होगा वो यूरिया का पत्ता। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।